एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही हेल्दी और यम्मी ओट्स की एक रेसिपी आपके सामने लेकर आ रही हूँ, एक स्मूदी की रेसिपी जो आपके वेट लॉस में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी हेल्दी अपडेट्स मिलती रहे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये देखते हैं इस स्मूदी में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे। ये ओट्स है, ये एक बड़ा स्कूप ओट्स मैंने इसमें यूज किया है। ये है इंस्टेंट कॉफी पाउडर, ये वन सैचेट मैंने यूज किया है, जो 2 रुपीज का सैचेट मिलता है मार्केट में वो। यहाँ पे है 4 से 5 आलमंड्स, अगर आपके पास सोक्ड है तो बहुत अच्छा है, मेरे पास सोक्ड नहीं था इसलिए मैंने इंस्टेंट यूज किया है, आप सोक करके यूज करेंगे। और ये है 2 डेट्स जिसको मैंने डीसीड कर लिया है, और यहाँ पे है 1 बनाना, और मैं इसको ब्लेंड करूंगी पानी के साथ। मैं इसमें दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अगर आपको फिर भी मिल्क रिलेटेड चीजें चाहिए तो मैं आपको बोलूंगी ओट मिल्क या फिर आलमंड मिल्क आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबको एक साथ ब्लेंड कर लेते हैं। मैं सब कुछ एक साथ डाल दूंगी, ओट्स, कॉफी पाउडर, बनाना, आलमंड्स और डेट्स में सब डाल दूंगी, और जितना पानी था वो भी मैं इसमें यूज कर लूंगी। आप इस रेसिपी को एज अ मॉर्निंग में भी आप ले सकते हैं या इसको आप लंच में भी ले सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा फिलिंग होता है। सब इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, अब मैं इसे ट्रांसफर करूंगी। ओट स्मूदी रेडी है। आप इसके दिन में किसी भी हैवी मील में इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, और ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत फिलिंग है, आपको इसको लेने के बाद बहुत देर तक भूख भी नहीं लगेगी, ये इतना ही अच्छा है, और साथ ही साथ ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ों से भी भरा है। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे, और एक ऐसी हेल्दी अपडेट मैं आपके पास लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।